देखो दीदी जो है ना सुबह सुबह गोबर लेने के लिए आई है। क्यों मॉर्निंग, तो वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आज आप मेरी चेहरे पे खुशी देख रहे हो, कल थोड़ा मैं उदास था, ठीक है, आज खुश हूँ। और आज ये रामनवमी पूजा, ठीक है, अभी जाना है बांस काटने के लिए सुबह सुबह, क्योंकि बांस यहाँ मिलता नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है बांस मिलता नहीं है। अभी ये वाला पुराना वाला जो है ना, ये ध्वजा, ठीक है, ये उखड़ जाएगा, ये आप लोग देख रहे हो, ये वाला ध्वजा जो है ना, यहाँ से ये वाला उखड़ जाएगा, ठीक है, इसकी जगह नया लगेगा। अभी चलते हैं बांस लेने के लिए, बांस वांस लेके आते हैं, फिर बहुत सारा काम है, ठीक है। पंडित जी तो सारा लेट से आएंगे, उन्होंने बोल के रखा है, तो उनके आने से पहले जो है ना सारा काम हम अपना कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए आज के ब्लॉग को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो दीदी जो है ना सुबह सुबह गोबर लेने के लिए आई है, क्योंकि इसी से जो है ना घर का नीपा पोती होगा आज, क्योंकि गाय के गोबर का जो है ना शुद्ध माना जाता है। नहीं दीदी, दोनों भाई बहन आए हैं सुबह सुबह ये उठाने के लिए, गोबर उठाने के लिए, आंगन वगैरह नीपा है ना, रामनवमी पूजा है ना आज, इसलिए ये देखो। हाँ अच्छा, मानस है ना बाबू, दीदी का बेटा, ठीक है, उनका कोबला है, तो इसलिए उनके घर में पूजा होता है, मेरे घर में पूजा होता है, मेरे घर में मेरे नाम से होता है, इनके घर में मानस के नाम से होता है। अभी सुबह सुबह आए हैं गोबर लेने के लिए, इसको देखो, टशन गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टशन। सुबह सुबह अभी जो है ना हम लोग निकले हैं बांस लेने के लिए, ठीक है, रामनवमी का, ठीक है, इधर मैं हूँ, मानस है, राजा है, ठीक है, सब लोग निकले हैं बांस वगैरह लेने के लिए। कैसे कर रहा है, चलो चलो चलो, ये देखो इसका हाथ में कितना बड़ा हथियार है, इसी से वो बांस काटेगा। गाइस फाइनली जो है वो बांस लेने के लिए पहुंच चुके हैं उस जगह पे जहाँ से बांस लेना है। मानस आगे बढ़ रहा है, ठीक है, अंकल जो है अभी ब्रश वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, तो बोले कुल्ला वगैरह करके आते हैं। देखो यार बांस कितना है यहाँ पे, हम लोग हर साल यहीं से लेते हैं, इधर साइड में ना एयरपोर्ट है, अचानक से ठंड बढ़ गई यहाँ पे, नहीं मानस अभी सुबह धूप निकला था, ठीक है, बट ना अचानक से जो ना ये पूरा मौसम ठंडा कर दिया, ये देखो। तो ये देखिए, तो मामा जी बांस काट के यहाँ रख चुके हैं और उसे छील रहे हैं, सिंपली आप लोग देख सकते हैं। गाइस फाइनली अपना बांस जो है कट के आ चुका है, ठीक है, मैं और मानस जो है ना अभी इसको काट के लेके आए हैं, ठीक है, अभी इसको जो है ना वहाँ पे दीवार पे या फिर इस आम के पेड़ पे रखना है, ठीक है, इसका जो भी ये मट्टी है ना ये वाला, ठीक है, इसको काट के हटाना है सारा, ठीक है, उसको एक एक करके छीलना है, ठीक, अभी थोड़ा काम है इसका, जल्दी से ये कम्प्लीट करते हैं, फिर मिलते हैं आप सबसे, ठीक है, आप लोग को दिखाते हैं कितना मेहनत है यार पूजा में, तो पापा नहीं है ना तो बहुत दिक्कत, हर बार पापा कर देते हैं, बट मेरे को करना पड़ रहा है। आप लोग देख सकते हो जो है ना मैं बांस छील रहा हूँ, ठीक है, इसको एक से एक छीलना होता है ना, ठीक है, अभी मैं मानस को सिखा रहा हूँ, आगे चलकर उसको भी करना ही, मैं नहीं रहूँगा तो ये करेगा ना। अपना जो है बांस वगैरह छीला जो हो चुका है, ठीक है, जितना भी था मैंने कर दिया, लगभग थोड़ा लगभग 2 घंटा लग गया मेरे को करने में, आदत नहीं है ना, पापा हर साल करते थे। ये देखो आप लोग जितना देख रहे हो, पूरा ये 2 बांस को मैं कंप्लीट किया, जितना इसका है ना माठ वाट दिया है पूरा, ठीक है, अभी ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, बस इसमें कलर करना बाकी है, वाइट और ऑरेंज कलर का, जो मम्मी करेंगी, ठीक है, वो मेरा काम नहीं है यार, थक गया हूँ, आदत नहीं, पूरा हाथ में देख रहे हो फूंक सी फोका वगैरह निकल गया है। चलो कोई नहीं, भगवान का पूजा है करना तो पड़ेगा ना, घर का पूजा है, तो भाई अभी इसको जो है ना इसको बांस को जो अभी यहाँ से निकालना है, ठीक है, तो पूरा गड्ढा करना है इसमें, इसको पूरा उखाड़ना है यहाँ से, ठीक है, ताकि बांस निकले, फिर यहाँ पे नया वाला बांस अभी लगेगा। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हो, इधर मैंने गड्ढा वगैरह कर दिया, ठीक है, मगर तो जिधर से निकाल दिया है जो बांस था ना बैम्बू, उधर मैंने निकाल के छत पर रख दिया है, ठीक है, उस आंगन में भी करना, उस आंगन में मैंने कर दिया दोनों कुछ, ठीक है, अभी चलते हैं नहाने के लिए और बांस का कलर भी करना है। दीदी भी आम का वो लकड़ी जो है चुन रही है, ठीक है, अभी मैंने पेड़ से तोड़ दिया उसको सूखा हुआ हवन के लिए, ठीक है, अभी वो बाल्टी में पानी रखा है, ठीक, उससे अभी पूरे दोनों बांस को वॉश करना है। यार बहुत मेहनत लगता है पूजा में, फर्स्ट टाइम सब कुछ कर रहा हूँ ना, उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है अभी, ठीक है, पापा लोग चट चट में 1 घंटे में सब कुछ कर लेते हैं, मैं तो सुबह से कर रहा हूँ 6 बजे से, अभी तक मेरा कुछ भी आधा भी नहीं हुआ। चलो इधर बांस वगैरह तो वॉश कर दिया है, ठीक है, मम्मी जी इधर आ गई कलर करने के लिए, अभी पीठा और ऑरेंज कलर सब इसको कलर कर रही हैं, ये देखो कर रही है मम्मी जब भी कलर, थोड़ा टाइम लगेगा इसको करने में। पंडित जानो कितना टाइम, कितने बजे बोलते हैं पंडित जी आएंगे, 1 घंटा, 1 घंटा में पंडित जी आ जाएंगे, ठीक है, अभी मम्मी इसको कलर कर रही है। चलो इधर देखो आप लोग, रेड कलर और वाइट कलर से तो हो गया है रंगा हुआ, ठीक है, कलर किया हुआ, अभी जो है ऑरेंज कलर से मम्मी कलर कर रही है, क्योंकि यही मेन कलर होता है जो ध्वजा में रंगा जाता है, नहीं मम्मी, देखो कलर होने के बाद कितना प्यारा लग रहा है वही बांस, ये नॉर्मल वाला देखो, ठीक है, और ये कलर वाला देखो कितना प्यारा लग रहा है, मैं उतर बस उसमें जो है ना झंडा लगाना हो, बाकी और कुछ नहीं है। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हो, बजरंगबली को जो है कपड़ा पहना दिया गया, ये पताका देख रहे हो, ठीक है, ये वाला,
जय श्री राम लिखा हुआ, ठीक है। इधर बजरंग बली का फोटो भी है। तो इधर मम्मी ने सब कुछ पहना दिया है। अब ना सुना कि मैं रेडी हो चुका हूँ, ठीक है, बट एक प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को धोती पहनना नहीं आता था, ठीक है। पापा हर साल लेते थे ना पहना देते थे, बट इस समय मेरे को नहीं आ रहा पहनने के लिए, ठीक है। बट जैसे तैसे देखिए, देखो जैसे तैसे है ना लपेट लिया हूँ मैं, ये देखो, बट पहनना मेरे को नहीं आ रहा, ये देख सकते आप। ये पहनने का स्टाइल तो नहीं है, ठीक है, बट जैसे तैसे भी हुआ मेरे को, मैंने पहन लिया, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। बट कोई नहीं, पूजा करने से मतलब है, पहन तो लिया आगे। मम्मी बोल रही थी अंकल को बुला जाओ, अंकल कम आए थे, मैं नंगा घूमूँ, बट पहन लिया। चलो अब पूजा स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। देखो फाइनली मम्मी जो है पूजा का सब कुछ विधि विधान जो भी है सब वो कर रही है, सब कुछ निकाल के रख रही है, ताकि पंडित जी है उनको वेट ना करना पड़े और अच्छे से जल्दी से सब कुछ हो जाए, ठीक है। देखो पंडित जी आ गए हैं फाइनली। फाइनली पूजा वगैरह जो है वो गया ओवर, ठीक है। मम्मी जी यहाँ पंडित जी को जो है ना अभी यानी खाना दे रही है उनका, ठीक है। वो तो ऐसे नवरात में खाएंगे नहीं अभी, बट जो हमारा धर्म है, ठीक है, उनके हिसाब से तो देना पड़ता है ना, दान दक्षिणा या फिर जो भी होता है, उसके बिना पंडित जी भेज नहीं सकते हैं, ठीक है। अभी वही मम्मी यहाँ पे कर रही है, देखो दीदी के घर में पूजा करा दिया, अपने घर में पूजा हो गया, ठीक है। वो देख सकते हो उधर इतना सारा मम्मी दे रही है। पंडित जी को दान दक्षिणा वगैरह दे के मम्मी दीदी सब लोग अभी आशीर्वाद ले रहे हैं उनसे, अभी वो जाने वाले हैं यहाँ से। चलिए आज का पूजा जो फाइनली संपन्न हो चुका है, बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया, पूजा वगैरह हो गया है ख़त्म, ठीक है। पूजा करके मैं उठ गया हूँ, पंडित जी भी जा चुके हैं, उनको खाना पीना जो भी था मम्मी ने दे दिया, क्योंकि वो नवरात्र में जाना। और पूजा करके यार जो शांति मिल रहा है ना, मैं बता नहीं सकता मैं कैसा फील कर रहा हूँ। कल इतना टेंशन चल रहा था लाइफ में, आज लगता है कुछ है ही नहीं, एकदम टेंशन फ्री, एकदम क्या बोल रहा हूँ मैं, कुछ बोल ही नहीं सकता। यहाँ पर देख सकते हो पूजा वगैरह सब कुछ हो चुका है, अच्छे से सब कुछ अच्छे से हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई पूजा करने में, ठीक है। तो चलिए आई होप आज का ब्लॉग जो आप लोगों को अच्छा लगा, ब्लॉग अच्छा लगा जरूर लाइक चैनल सब्सक्राइब करके चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, सी यू लेटर इन नेक्स्ट ब्लॉग गाइस। और हाँ, थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट देने के लिए, और थोड़ा थोड़ा मैं टेंशन सब ऊपर आ रहा हूँ, उसके लिए थैंक यू सो मच, आप लोग ही उसकी वजह, थैंक यू सो मच। चलिए आज के लिए इतना, बाय बाय। कहना चाहता हूँ मैं कि मेरे को धोती पहनना नहीं आता, ठीक है। दीदी भी ट्राई की, मम्मी भी ट्राई की, बट किसी से हुआ नहीं, पापा रहते थे पहना देते थे, बट पंडित जी आए ना, देखो उन्होंने ये मेरे को पहना दिया, ये देखो कितने अच्छे से पहना दिया, बहुत अच्छे से धोती पहना दिया, ठीक है। ये देखो जो प्रॉपर होता है ना धोती पहनने का, ठीक है, तो वो उन्होंने ही मेरे को पहनाया, ये गमछा वगैरह जो भी है। चलिए थैंक यू सो मच पंडित जी।